जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जलदा यानी कि जल देने वाला ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है। ये जैन कॉलेज में आरा जैन कॉलेज कैंपस का है और ये इतना सुंदर बना हुआ है, हम समझे कि ये चालू है। ये अभी आपको अप्रैल का महीना चल रहा है और इतना गर्मी है और इसमें देखिए ताला लगा के रखा हुआ है, ताला लटकाया हुआ है, तो भी दो दो ताला। मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, पानी पीने का ये साधन है और मेन गर्मी में ये ताला लटका के यहाँ रखा गया है। अब देखिए जल का कितना यहाँ महत्व है कि भाई कोई पिएगा नहीं, आप दर्शन कीजिए लेकिन पीजिए नहीं। दर्शन करने का अधिकार है, बाहर से देखिए बनाने में कितना पैसा लगा होगा, हमको लगता है कि 2-3 लाख रुपया से ऊपर लगा होगा। और ये उसके बाद न पानी का व्यवस्था न कुछ, और उसके बाद यहाँ ताला लटका दिया गया है, वो भी दो दो ताला, दो गेट है, एक ठो पानी पी के इधर से निकलिए और दोनों में ताला लगा हुआ है। ये स्थिति है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छे कॉलेजों में गिनती होता है हरप्रसाद दास जैन कॉलेज का, और यहाँ का ये सिस्टम है। और आप आगे देख सकते हैं कि क्या है। अब आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के टॉयलेट सिस्टम का, जिसे हिंदी में प्रसाधन कहा जाता है। ये महिला प्रसाधन है, देखिए इसमें भी बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। भाई आप प्रसाधन बना दिए हैं, और ये देखिए पुरुष प्रसाधन है, पुरुष प्रसाधन, इसमें ही बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। अब ये किसके लिए बना है, कौन VIP आएंगे और इसमें प्रसाधन जाएंगे, अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हाल है जैन कॉलेज आरा हर प्रसाद दास जैन कॉलेज का। यहाँ कोई आपको मूल सुविधा बच्चों के लिए नहीं है। पानी पीने के लिए बना हुआ है, आप पानी नहीं पी सकते हैं। प्रसाधन बना हुआ है, आप जा नहीं सकते हैं। वुड वर्क इन आरा के लिए कृष्ण कुमार पांडे, नम्रता पूर्वक।